खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। आइए अब आपको बता देते हैं स्पोर्ट्स की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 100 सेकंड में। विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान की धमाकेदार जीत, इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 14 रनों से हराया। विश्व कप में पाकिस्तान पहला मैच वेस्टइंडीज से हार गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजों ने ही जीत दिलाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 348 रन बनाए थे। हाफिज, बाबर और सरफराज ने ठोके अर्धशतक। जो रूट और जॉस बटलर के शतक भी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला पाए। इंग्लैंड की टीम 334 रन ही बना सकी। वहाब ने 3 और आमिर शहजाद ने झटके 2-2 विकेट। पाकिस्तान ने लगातार 11 वनडे इंटरनेशनल हारने के बाद पहली जीत दर्ज की, जिस इंग्लैंड को विश्व कप जीतने का दावेदार कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने उसे हराया। आज विश्व कप में एशिया की 2 टीमें श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी केदार जाधव फिट हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल होने वाले मैच में वो खेल सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली नेट्स पर गेंदबाजी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए और अब कोहली ने मजाकिया अंदाज में कहा कि टीम में मेरी गेंदबाजी को लेकर उतना भरोसा किसी को नहीं है जितना मुझे है। क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि टीम इंडिया को धोनी को सचिन जैसी विदाई देनी चाहिए।